तक बजे हूँ आते रहते हैं। ढोल के ही है जिसको कहने के लिए मेले उन बजावन हरू होगा जगह बजू मैं आप ढाई पड़े तीन चार खेतों तक आवाज आ रही है। आवाज क्यों गोल मैं और मीनू के टाइम हालो घर है नवलो बा गीत शुरू करे मीनू पहला पहला मारी पानी समय है अगले कार्यक्रम सुना देरी गूंज का आइए सुनते हैं। प्रोग्राम सुनने वाला सब भाई लोग ने नवला बाने राम राम पगे लागना राम राम और रामेश्वर भाई राम राम है थने जीव तारो जीव तारो तारे लीला लहर वे दे यूं आनंद करो मौज ही मौज वे राम राम सरिया कांवर जी ने धोक देवाओ हे राम राम हो हे बाजूड़े रे मैले जमदेश्वर भगवान ने सबारे आज तो गीत गा रही आज देखे गोगा नमी है कल दशमी अच्छा ठीक है तो कहने के एक घड़ी भूलू को नहीं अच्छा समझा हाँ और कहने के मार तो भाई देखे है ये में मंजूरी बात है हाँ। है कल ढोक दे अच्छा आज हम कहो एक खीर पूरी माते थोड़ो आप जोर रखा खीर पूरी माते आज भोगा नम है बाहर तो लाड़ लगी ना ढोक साफ किया के थोड़ा बाहर हम चार देखो मारे कने सब है अच्छा लुकया नहीं लुकया बिरा तो मैं कहीं करियो करेगा सो भरेगा मारे की लेना देना नहीं के मैं तो कहूँ के कबीरदास जी के कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटी इनके पास ठीक है करेगा सो भरेगा मैं क्यों ओ उदास हाँ तो आपन दोनों उदास क्यों हुआ करी जो को भरी देखा भाई हाँ मैं उड़ लो घड़ी हो चारू मेर कहनी के कटी जमंदड़ो हो कटी नहीं हो पर हम क्या कहनी बेरा भर पानी आयो है पानी कल्टो आयो है चारी भरो रिकॉर्ड टूट गो ना ओ बस कहती नहीं वो आपने डाणी नीचे नाडी वाला खेतरे पाल के पानी जाप रहे ना जन वो रिकॉर्ड टूट जाए 25 साल नु पाल के पानी फूगो है फूगो के हाँ तो हम क्या देखा है जमीन है जिको कह नहीं के है जो ऊंचो आजी नाला गाड़ दे पर तो मौज ही मौज करो थी देखो मौज कहीं आपसी सहयोग वे ना जन मौज ज्यादा वे और सहयोग री बात मैं ही खातिर कहू नवला बा ते संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस है आज ओ ठीक ठीक पर बात है रे भाई ओ कोऑपरेटिव आलो काम है ओ काम यहाँ है के राजनीति के आर्थिक के सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरण रे साथ तकनीक है ना आ सबारो मेल कर जो को दक्षिण देश रे बीच रे में एक समझौतो व्यापक है बिन किया करे दक्षिण त्रिकोणीय सहयोग देश एक होगा तो होना ही है पर देखे आपसे अपना समझदारी सहयोग रखा अपना काम चलतो रहे अरे भाई, 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 भाई मैं तो शांति रहनी चाहिए कह नहीं अमन चैन हो तो गैंग तरक्की है नहीं तो लड़ भिड़ की मुंसिपल को नहीं
जीव जिनावर लड़ी हुए कीटाणु लड़ी हुए सब चारू मेर है इरे साथे साथे जगह चोमा सारा जगह रोग है ना बिरो भी लोग है जगह लड़े है दवाया लेवे घासा लेवे उकड़िया लेवे बिरो जीते न लबा जीत न पद कह नहीं के दिने को ले शाम तक कह नहीं के जंग होती है जंग समझ में पड़े कौन था ये जंग रे बारे मैंने आज मैं बार बार बैठो नहीं जन बे अपने गोवर्धन लाल जी जगह सेनी है चिकित्सा अधिकारी राज के जिला अस्पताल पावटा में अरे बे तो है जी को भाई यूं है वो पानो आयो मार करने आयो ना बेट कोई पानी बकान दवाई छिड़काव करने है डॉक्टर साहब की टीम आयुरी अच्छा आज मने तो मैं बाने बुला लूं थे वो बातचीत भाई अपन धानी बुला ले तो मैं गोवर्धन लाल जी सैनी साहब ने बुलाऊ ना तो थे मार कहीं एक चौमासा रोग है कारण है लक्षण है उपचार बार बारे में बात ओ बात कर लो ठीक है मैं थोड़ा बाहर बैठो धानी फड़ी करने अरे छा पानी बना ले भाई मैं बनो सैनी साहब ने भेजू जाओ सैनी साहब नवलोबा बुलावा राम राम कुण है डानी में राम 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 अरे आप थोड़ा नेड़ा पधार जो है जुको थोड़ा फिलो थोड़ा डोडो कर पधार पधार अरे पधार साहब बिराजो 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 आप ढोली मत बिराजो कुर्सी मत बिराजो आओ पधार साहब कटू पधारी आप मैं तो जोधपुर से पधारिया ओ हो जोधपुर आया वाह तो कौन नाम आप रो मारो नाम डॉक्टर गोवर्धन लाल सैनी ओ गोवर्धन लाल जी सैनी है नी वाह डॉक्टर साहब वाह कह दिन बजी है हमारे घर है पधारिया हो पर जरूर की इनकी भगवान की मेहरबानी है तो है वो डॉक्टर साहब आप रंग नाला कटा रहा हो मैं तो रेबाड़ा तो सिकर जिला में खाटू श्याम जी का था ओ खाटू श्याम मेड़ो भरजे हाँ हाँ बहुत बड़ो मेड़ो लागे श्याम भगवान रो भरजे जटी हाँ हाँ ओहो तो पज उठे है थे रे उनकर नाला हो तो पज बड़ी पटाई कटे करी की थोड़ू डाकटी करी मैं शुरू की पढ़ाई तो उदयपुर से करी MBBS की पढ़ाई और बी पाछे बा PG की पढ़ाई हुए मेडिसिन में बा मैं अजमेर से करी ओ ठीक है टावर बने में घर छोड़ दिया हो हाँ छोड़िया 20 साल होगा हाँ की गोली क्या नहीं सेवा करो जो कोई मोटी तो डॉक्टर क्या रहा मिन का रहो डंडा रहो खेती बाड़ी रहो क्या रहो नहीं डॉक्टर तो मिन खा गई जा ओहो मिन कर हाँ अरे बस पूछनो पड़े हो बात है पूछे उठा पड़ेगा आपको क्या रहा डॉक्टर हो उन्हें साहब ऊपर बात बिताल कर डॉक्टर साहब के मैं कर दो ही हूँ हाँ मैं तो तगड़ो ही हूँ आपकी बात अरे पूछे मत सारी बर्रो कह रही है जो को कह हैं रिकॉर्ड टूट गो पर मैं हुई हूँ कई है जो बीमारी कर दी हुई है मैं आप तो डॉक्टर हो चौमासे में ऐसी की बीमारियां वे हुए मान तो ही तो ठाक हो नहीं पर तो ही आप डॉक्टर हो बताओ की बीमारियां वे है चौमासा में तो घनी तरह की बीमारी हो जाए जी जी आप पानी भरे रोड माड़े भरे मकान में ऊपर टायर पड़े रही पीपा वपा पड़े रही तो वहाँ में मच्छर पैदा होगा लाग जाए मच्छर तो खाऊ डूगर तो आटी ने कोई है मच्छर दवा छटकाऊ ने आया हो कोई मारू मिल नहीं जाए हो मैं तो नवलो वासु मिलवा आया आज ओहो क्यों डॉक्टर साहब तो ये कह नहीं की आप भाई मेहरबानी का आप मारू मिलने आया हुई हूँ वो नवलो बाको आज को तो मैं आप बताओ की मैं समस्या में एक तो कहूँ क्या मासना आता हूँ आज दुजड़ी होता हूँ उन कहूँ कारण है किकर आवे होता हूँ बरसात का मायने पानी भरवा लग जाए तो मच्छर भी खूब हो जाए तो ये टाइम में मच्छर बहुत हो रहा और बांको आफा सही टाइम वाले उपाय कोनी करा या भी पानी ने साफ सफाई न करा तो फिर मच्छर कहीं से की दिन में रात में आफा नहीं काटी काटे और मच्छर काटी तो फिर दूजड़ी लाग और बुखार हवा लग जाए ओ ठीक ठीक दूजड़ी होता है मलेरिया हाँ मलेरिया हो जाए डेंगू हो जाए चिकनगुनिया हो जाए हाड़ तोड़ बुखार आवे खासा कह नहीं रोगी लगी ना आई जा तो मलेरिया ताव आवे जे डॉक्टर साहब की करे की कठा पड़े मलेरियो को मलेरिया ताव आवे तो सबसे पहले तो जी आपने दो चार दिन हो जाएंगे रोज दूस दूस बुखार आवे दिन में 3-4 बार और आप छोटी मोटी गोली ले लें लेकिन गोली से आराम को नहीं पड़े आठ गोटा यहाँ टूटी जाए तो कोई लठ मारे हो जाए आठ गोटा टूटवा लग जाए यहाँ को सब हवा लग जाए चक्कर आवा लग जाए माथो ज्यादा फाटे तो जब यहाँ सब है जना आपने जो भी आपने नजदीक में डॉक्टर वे और वे तो बिना जार टाइम वाले दिखावा में ही फायदो हाँ जी बात है डॉक्टर साहब वो मुंडो ही खारो हो जानी हो रोटी भावे कोनी नहीं वे तो है ए भी हो जाए तो ये तो मच्छर वाली बीमारी होगी साथ ही साथ में पानी बरसे तो जता भी आमनो पानी को स्टोरी है जड़े एक टोकरा तो भी मैं नॉर्मल पानी के साथ साथ बरसात को पानी भी
हिट हो जाए। हाँ हो जाए। तो फिर बीसो हमने जहाँ टाइफाइड वे जी ना मारवाड़ी में पानी जोरो बोला। हाँ पानी गिरियो निकालो है जो उल्टी दस्त ए पेट की बीमारी और हो जाए साथ में। ओहो कहनी ताव तो आवे। एक बो कह नहीं हो कौ कहो गेंगू गेंगू की हो कौ कहो डेंगू। हाँ ओ ओ है ताव वो भी मच्छर सुई हुए पर जहाँ मलेरिया को मच्छर अलग वे इको डेंगू वालो मच्छर अलग चीज हो। मलेरिया तो मलेरिया वालो मच्छर तो जड़े गंदो पानी एक टो वलाग जाए जिया हमने नाली को पानी एक टो हो रहे हो या फिर बरसात में कोई जोड़ी में पानी एक टो हो रहे हो तो यान को जो पानी एक टो वे जिमे तो मलेरिया को मच्छर पैदा हो वलाग जाए। ठीक हाँ और डेंगू वालो मच्छर वे जिया आप घराने कोई भी सामान जहाँ खाली पीपा होगा कोई भी सामान लिया तेल लिया और बिना आप छत माड़े मिल दिया बड़े पानी एक टो हो या फिर घराने कोई पेड़ पौधा लगाऊं तो बांगा मायने पानी मतलब साफ पानी को मच्छर हुआ वो डेंगू हुआ। ओ ठीक ठीक कोई गमले में है हाँ। कोई कुंडिये में है पानी पड़ी हो रहा है उमे है जो और डेंगू वालो तो आरो कारण मोटो ही है भाई साफ सफाई नहीं रहे जिंद वे नहीं। हाँ कारण हो ही जाओ सको अन पजान के कि ठा पड़े डेंगू में मलेरिया में के फर्क ठा पड़े फर्क ओई आंको फर्क जांच कराए पतो पड़े आपाने बिना जांचा के पतो को नहीं पड़े कि बुखार तो दोनों में आवे और दोनों में हाड़ तोड़ बुखार आवे तो आंको आप टाइम वाले जावा हॉस्पिटल जावा। आजकल तो जगह जगह सरकार हॉस्पिटल खोल मिले तो बड़े चार्ज करनो क्यों कोनी जार खून की जांच कराओ खून की जांच सु पांच मिनट में पतो लाग जाए मलेरिया होगो डेंगू होगो चिकनगुनिया होगो हाथियों हाथ पतो पड़े। ये तो गत्ता हमें आप कह रहे कोई है जो उल्टी दस्त ही हो जाए कई कारण उल्टी दस्ताओं को कारण तो वही हुआ है कि बरसात का मौसम में साफ सफाई कई बार गड़बड़ हो जाए या ससु ज्यादा तो हमने पानी की बीमारी लागी है टेम में या पानी पानी कई बार कहीं से कि कई दिन तारी टंकी साफ ही कुन करीर भी मायने किड़ा ही पड़गा या फिर बरसात को पानी पीबा को पानी दोनों मिल एकता हो रहा टांका में एक हो तो बे आप वो पानी जब भी पीवा तो भी मैं हमने उल्टी दस्त पानी जरा हैजा ये पानी हली पेट की बीमारी सारी होबा लग जाए। इन कारण साफ सफाई नहीं राखो तो हो जाए हाँ। तो इनमें बस कहीं करना चाहिए सरसों पहले हमने उपाय वही से कि बरसात को मौसम चल रहे हो तो ये टाइम में पानी ने जो भी या तो साफ पानी आपान लागे कि पानी गड़बड़ आ रहे हो या नल को पानी साफ कोने रहे हो तो सरसों पहले तो पानी ने आपा उबाला फिर मिनट ठंडो करा और फिर भी पानी ने पियो तो आधी बीमारी तो अतिक्रिया से ही दूर हो जाए। तो हमेशा घर में वो काम करना पड़ी पानी है जो उबालनो पड़ी उकालनो पड़ी हाँ उकाल रहा पानी पियो हाँ एकदम है क्या नहीं क्या टाके मटकी रो पानी नहीं पीनो डॉक्टर साहब मैं तो एक बात है कि एक तो कहो है कि गड़ घूमड़ घना हुए कई है दुखनिया हो जान आंखियां दुखन डूब जान कौन कारण हुए सैको कारण हमारी साफ सफाई जे भाई आपा साफ सफाई ने थोड़ी सी ठीक रख लिया गजना हो जाए जी बरसात का मौसम है आपा नंगा पाँव घूम रहे जार बरिया पानी में ही पैदल चल रहे जा तो पानी जड़े जड़े लागे जड़े जड़े कोई ना कोई इन्फेक्शन तो वही तो वे घूमड़ा ही निकल सी फिर खुजली हो जान कई है जो नहीं होवी ये भी होवी पर आम में भी कहीं हुए कि जहाँ बरसात आजकल तो कई दिनों से बरसात लगातार ही चल रही है पांच पांच सात सात दिन तारी राम जी घणो ही बरस रहे हो तो बरस है जहाँ कपड़ा तो सूखी हाथ को नहीं अब कपड़ा नहीं सूखी या फिर आप सारा दिन बरसात में भिग्या हुआ और फिर वह गीला कपड़ा में कई देर तारी बैठा ना तो आम में कहीं से फिर फंगस हो जाए जिन्हें आप फफूंदी बोला तो अभी शरीर में नमी की वजह से लागवा लाग जाए। आला नहीं पेड़ना गाबा बदल दो साफ पानी कर लो पर हम देखो खेत खड़े में काम कराओ हम जानो पड़े खेत में तो उठे है जो कई कादो लागे कई है जो गंदगी लागे तो इमें है जो कह नहीं के साफ सफाई आप कौन मुत बड़े मुत बड़े माने कहू हाव चेती राखने चाहिए इन चौमासे दिन खास खास आप डॉक्टर साहब हो तो माने इन बीमारियों बचने वास्ते खास कहीं है जो हाव चेती राख सरसों मोटी तो बरसात की आ सीजन चल रही तो सरसों पहले एक तो आस पास कड़ी भी खराब पानी एक टो रहे हो जाए तो मेरे सरसों पहले तो बिल्कुल निकास करा जड़े पानी भेड़ो न हो फिर भी पानी भेड़ो हो रहे हो तो और भी नहीं तो कोई केरोसिन को तेल डाल दे मेगा मायने केरोसिन तो कोई बड़ी उड़ो तेल डाल दे मेगा मायने बड़ी उड़ो ऑयल मिल जाए तो
20वां मच्छर का लार्वा अंडा ये जो भी हुए ये भी में नष्ट हो जाए तो ये फैलनी को नहीं तो एक का चार चार का 16 होगा लग जाए। तो कह दीजिए एकदम आपकी टीम बदल। हाँ डॉक्टर गोवर्धन लाल जी हो वो सैनी साहब, मैं आप बात पूछू कोई पैसी चीज है जो रात्री बचूड़ी खा ली नहीं ये चीज नहीं खानी चाहिए। जब वो पहला जमानो गयो बाबा थरालो जो जी जमाना में सुबह की शाम और शाम की सुबह चल जाती तो आजकल सारी सब्जी और गेहूँ समय जचार खाद पड़ी हुए तो आने गाय जो सुबह की शाम कर दिया जो नाम में बहुत सारी चीज गड़बड़ हो जाए तो आजकल तो जमानो जो है ताजा बनाओ और ताजा खाओ। ओ हाँ जी बात है पर हम देखो कोई घर में नहीं बनाओ कोई है दूध दही पड़ी हो तो नहीं खाओ नहीं दूध दही तो खाओ ना आराम से दही रोटी खाओ दूध रोटी खाओ की तो होडी गुनी है। लेकिन जहाँ आप कोई भी सब्जी बना लिया तो सब्जी रात की सुबह चले को नहीं रात की पड़ेड़ी दाल सुबह खाओ तो फिर वह भाव भी करे फिर वो क्या में क्या है वो खरीज खरीज आएगा मशीन वो ठंडी मशीन मेल मेल लोग हाँ बे बार बार गर्म कर कर खाए तो भाभी नुकसान करे। हाँ तो हमने तो ईसु बढ़िया तो बारह ने मेल दियो और जो दाल वाल तो खानी को नहीं बाकी सब्जी सुबह की शाम ने काम में ले लिया। अच्छी बात है पर हूँ एक बात भले पूछ तो डॉक्टर साहब के कोई फल फ्रूट है हंसता मिलता है कोई नुकसान तो को नहीं करें पर फल फ्रूट भी दे कर लेना गलेड़ा फल फ्रूट लिया घराने मेल दे और बाने थे भी खाओ और टावरान भी खाओ तो सब बीमार पड़ जाए मामे। अब हमें सहम आजकल केमिकल गिर आवे तो बाने भेड़ा को नहीं करना बताई लेना जता खाया जा सके और वे भी बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल। हाँ हाँ जी बात है क्या नहीं के सस्ता रहो बार बार महंगा रहो एक बार लाओ तो चौकी चीज खाओ चौकी चीज खाओ। हाँ बात हाँ जी कई दिन कई है की हैर जावे नहीं जब कह दे के भाई इंड काकड़िया पपीता है होरी बीन सैकिला जी बेतोला तो बे है जो आप रो कौन मतलब नुकसान करे नहीं तो वाह साह वाह है जो भले कोई खास सावचेती आप रे मंदरी बात बता दो डॉक्टरी साहब। और सावचेती की बात आई है की जी हम मच्छर पहले उपाय कर लिया कि खराब पानी एक तो वासु रोक लिया बाद से भी मच्छर तो आप बंद थोड़ी ना हुआ है तो फिर आप कहेंगे आप पूरा गाबा पेरो ऊपर ने पूरी बुरशेट पेरो पजामू पेरो और कहीं वे और न वे तो मच्छर मारवा की आजकल अगरबत्ती मिले अगरबत्ती जलाओ नीमड़ा का पत्ता बाड़ लो यार लगा बा की आजकल तो ट्यूब आवे जन चामड़ी वाला लगा ली जना मच्छर नेड़ो ही गुनिया हुए छोटा टावर जहाँ स्कूल जाए तो बांग कहेंगे पगा के लगा दो थोड़ी सी हाथ के लगा दो तो बाना खाए को नहीं तो फिर टावर और बीमार पड़ जाए छोटा। हाँ जी बात है हाँ उसे तो है मोटी है तो बहुत बढ़िया है जो डॉक्टर गोवर्धन लाल जी सैनी साहब आज आप मारे ढाणी दिन बती है पधारिया आप माने इतनी है जो कह चौमा रोग कारण लक्षण और बचाव रहे उपाय बाबत इतनी बढ़िया बात बताई आज भले आवता रही जो है जो हमें है जो आप रिको मनवार करा पर भेड़ू हेड़ू करो नटी है जो आज रात्रि है तई करा और तो कहूँ जाऊ न विचार है ग्रह कोरोना नहीं नहीं आज थोड़ी देर तो अथाई कर से पास जासे थोड़ी देर पास यूं कहूँ करो मैं जानियो आज भेड़ू हेड़ू अटी कर आपरे आराम करा न सही कराओ आज बात है तो ही की कोनी आप पधारिया आपने बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह जोरदार बात पूछी थे तो है तो क्यों नहीं पूछू हूँ बजे कोई हाल यूं थोड़ी हूँ थे तो डॉक्टर साहब ना एला पूरी एला वैज्ञानिक तरीको बात पूछी भाई देखे कोई कह रही की बात पड़ी हूँ है जी को कह मोटो को बने तो जन कहो बने की बात पड़े नहीं जो कोई मीरा भाई कोई स्कूल कॉलेज गया कबीरदास जी गया वो जमानो और हो तो और जमाने भाई होनी नहीं पड़ी है कहो यो बात तो पूछी थारो जमाना बात उनको मैं बात थोड़ा ना पूछी को पूछी है अगली चीज पूछी लेकिन आज रे टेम रे महीने बिना शिक्षा जीवन में अंधार हुए थाली टेम में तो कहीं एक बूढ़ा बडेरा थाने कहीं पढ़ाई दिया अरे हूँ कट पड़ी है भाई हूँ तो पसाड़ में ठीक है गुरु से पढ़ाता जैसे बारे एवड लिया उबो रहे तो उठे जैसे हूँ कहूँ उन हाल रे नेड़ उबो रहे तो जैसे क्या नहीं मात बर मिन का टाबरन पढ़ाता जैसे हुई बारे उबो हूँ तो अरे नवला बा थारी टेम हो रही आजकल तो स्कूल हम जानो पड़े मोटी मोटी किताबा पढ़नी पड़े अभी थार जैसी लगन थोड़ी है समय की बात है आज है जो कहूँ है की
विश्व द्वार है कौन जन्मिया कौन फोत होया बारी की बात नहीं बता दे। डॉक्टर साहब तो बात कहे जो बताई दी। डॉक्टर साहब बैठा नहीं है जो भेड़ू कराओ नहीं है। डॉक्टर साहब ने भेड़ू में बडीन कह दी बढ़ाई दी। हाँ ठीक है। तो मैं तो नवलाबा सब पहले अपन का ये जन्मदिन है नी बलदेव प्रसाद मिश्र जी रो जन्मदिन है और ये अपन हिंदी साहित्य रा बहुत ही बड़ा है जिका साहित्यकार हा न्यायविद हा और लोक सेवक भी हा और ये कहीं अंग्रेजी शासन काल रे मैंने अंग्रेजी रे बदला रे मैंने हिंदी रे मैंने आप रो शोध प्रस्तुत करियो। ठीक ठीक। देखियो भाई मैं जको लिखू जको हर आदमी रे काम आनो चाहिए खातिर हिंदी में लिखता। हाँ जी बात है। नहीं तो कह रही प्रमाण पत्र तो अंग्रेज देता पड़े के नहीं हूँ तो वही हूँ दे हूँ तो आ तो कह रही मोटी हिम्मतरी बात है। आरो तो जन्मदिन हो और अब अपन नवलाबा परी आरो नाम हो बलदेव। बलदेव प्रसाद तो यूं तो अपन ही देखे तूने राजस्थान में बलदेव राम जी मिलता हुआ 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 बे है जो कष्ट कराने कहनी गरीब गुरबा मजूरा ने बल दियो नाम है जो किसान केसरी की हो बात है। और देखो नवलाबा रंगे राघव जी है नी बारो भी है जो को आज परिनिर्वाण दिवस है और बे है जो का बहुमुखी प्रतिभावान रचनाकार आ मतलब हिंदी रा बहुत बड़ा ज्ञाता। ओहो ठीक ठीक ठीक। बे उपन्यासकार आ कहानीकार आ निबंधकार आ नाटककार आ कवि हा और इतिहासकार आ। ठीक है तुमके कोई हज पोती लाल बाजन होने जो मनी बिल्कुल बिल्कुल भूल सुनावा बड़े। और एक देखो अपने हितेंद्र कन्हैया लाल जी देसाई है ना बारो भी परिनिर्वाण दिवस है भारतीय राजनीति की है बा और गुजरात रे मैंने 3 बार मुख्यमंत्री बनियोड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रे मैंने नेता रिया। वाह वाह करिया काम बढ़िया रिया। तो मंदिर रे फूल सुनावा भले। एक नवलाबा हमन कई बार एक कहानी सुनावता जका अपन लिखोड़ी चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब रा और बारो भी आज परिनिर्वाण दिवस है और बारो अपन जन्म है जो को राजस्थान रे मैंने जयपुर जिला रे मैंने यो। ठीक ठीक ठीक। बे मूल रूप तो नवलाबा हिमाचल प्रदेश रे गुलेर गांव रहा। पर रे घाटे वान बस का। ए पढ़ी है जकी इलाहाबाद भी करी आगे बीए करी कलकत्ता विश्वविद्यालय एमए भी करी। आप पढ़े नाला बस क्या पानी मार कर जो है पढ़ नाला करी है। तो आनी है जको क्या नी गुलेरी साहब नी जरूर मंदिर भूल चलावा। अपन ना होनेड़ो थारो शंकर जय किशन जका अपने फिल्म उद्योग में बहुत बड़ी संगीतकार जोड़ी ही। तो 12 महीने जगह जय किशन जी है नी बारो भी आज परिनिर्वाण दिवस है और ए बहुत ही मोटा संगीतकार है फिल्म मैंने गाना मैंने संगीत दियो। दो आंकड़ी रो हूँ बढ़िया बाजू बजे होना थारकन है मारकन क्यों को नहीं मैं तो गणों बताओ गाड़ी फोटों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। याद की कर कौन भाई एक मिनट में थन निकाल हुनाई दियो हुना जी क्यों कौन भाई बात बात हो रही है। और देखो नवलाबा जगह रंजन जी है नी ये अपने भारतीय फिल्म उद्योग रे मैंने अभिनेता हा गायक हा पत्रकार हा लेखक। ठीक ठीक। आरो भी आज है जो को परिनिर्वाण दिवस है और आने सब ज्यादा प्रसिद्धि मिली 1948 रे मैंने चंद्रलेखा नाम री एक फिल्म बनाई। ठीक ठीक है जी को कहने का आप रो करियो काम है जी को बहुत बढ़िया है और मंदिर रा फूल चढ़ाई ना और मैं एक कोई थोड़ो घर जी बाबा रो गीत होनो वाले। हां ये घर जी सी होना भाई थोड़ो दो आगड़ी होना लो लो बाबा रो गीत होनो बाबा रामदेव जी। अरे बाप जी आप थका जगह है
अदार रामदेव जी और तेजा जी रा गीत गाया ना तो रामदेव जी मैं थाने होना आई दियो काई भजन होना है भजन अब थान तेजा जी होनो दो आकड़ी हां होना दे भाई तेजा जी होना दो हां तेजा जी होना आई दो हां होना दे भाई की कोनी दो आकड़ी वे जी कोई है क्या नहीं के तो उजास कन किया है इन बात वो कह नहीं कहा जी हुन ते ही कह मगर ठाणे आवे लो होनो जागी जागी जोत जागी तेजा जी रे नाम री है जागी जागी जोत जागी तेजा जी रे नाम री प्रोग्राम रो टाइम होगो पूरो तो भाई सुनाओ लेवा ही राम 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 राम।